मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स का दौर खत्म हुआ और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का दौर शुरू हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि कई ऐसे फिनोमेना थे जो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, जैसा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थी, और एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है लो हायर से लो ऑर्बिट में। तो ये सारे फिनोमेना ऐसे थे जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद फिर जो फिजिक्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्हें जरूर पेश आई, उन्होंने कहा कि अब हमें कोई और मैकेनिक्स डेवलप करनी चाहिए, कोई और थ्योरी डेवलप करनी चाहिए जो इन फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करे। तो फिर ये काफ़ी, इसमें बोर भी है, इसमें प्लांक है, आइंस्टाइन है, और श्रोडिंगर है, डिब्राले है, ये काफ़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर फिर डेवलप की क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी। और इसकी बेस पे फिर ये सारे के सारे जो है फिनोमेना थे जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, वो सारे के सारे एक्सप्लेन हुए थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने पेश की थी, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में पेश की थी, और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि उसने 1915 में पेश की थी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों आपस में डिफरेंट है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो ग्रेविटी का इफेक्ट इंक्लूड नहीं करती थी, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एक तो ग्रेविटी इग्नोर करती है, और दूसरा ये वैलिड है जब आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका रिलेशनशिप है। जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करती है, यानी ग्रेविटी का इफेक्ट भी उसमें इंक्लूड किया गया है और एक्सेलरेशन को भी इंक्लूड किया गया है, यानी आप किसी ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जिसमें एक्सेलरेशन भी है। तो ये दोनों जो है ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस किए गए थे। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, दो पोस्टुलेट्स हैं जो बड़े फेमस हैं। पहला ये है कि जितने भी लॉज हैं फिजिक्स के वो सारे के सारे सेम होते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इनर्शियल फ्रेम का मतलब है ऐसी फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पे है या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तमाम लॉज फिजिक्स के तमाम लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होते हैं। और दूसरा यह है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन है। वैसे तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जब रिलेटिव मोशन आती है तो स्पीड या तो इंक्रीज होती नजर आती है या फिर डिक्रीज होती नजर आती है। जैसा कि अगर आप गाड़ी में ही है तो एक गाड़ी जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी v1 के साथ, और दूसरी गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है वेलोसिटी v2 के साथ, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो इस केस में हम ऐड कर देते हैं, यानी v1 प्लस v2 हो जाता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आती है। सिमिलरली एक गाड़ी है जो कि इधर जा रही है वेलोसिटी v1 के साथ, और दूसरी जो गाड़ी है वो भी इधर जा रही है वेलोसिटी v2 के साथ, और हम कह सकते हैं कि सपोज v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, फिर होगी v1 माइनस v2। तो यानी नॉर्मली हम जब देखते हैं जो चीज़ें लो स्पीड के साथ मूव कर रही होती है, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपके पास चेंज हो जाती है, वो एक्चुअल वेलोसिटी से या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, डिपेंड करता है कि दोनों जो पार्टिकल्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी है, वो क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फोटोन की, स्पीड ऑफ लाइट की, तो फोटोन जो है वो चाहे सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो भी रिलेटिव वेलोसिटी सी, और चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो सी है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आप नॉर्मली देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी दोनों वेलोसिटी को ऐड करना या दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस ले लेना, वो फोटॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फोटॉन के जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव मोशन के साथ, इसकी जो स्पीड है वो सी ही रहती है, चाहे आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो फोटॉन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे दो फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में बाद आ जाता है, एक दो टेस्ट ऐसे थे जिनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि दो फोटॉन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी सी के साथ मूव करें तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो अमूमन लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं v1 माइनस v2, तो वो कहते हैं c माइनस c0 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि इसकी जो स्पीड है वो रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो ये सी ही रहेगी हर केस। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो भी आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं, और वो भी ऐसी फ्रेम जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव ना कर रही हो। जब आपकी जो फ्रेम है जिसमें आप बैठे हैं, कोई फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है तो फिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन भी वैलिड नहीं रहते, फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में आना पड़ता है। टाइम डायलेशन, जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा था कि न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन नॉर्मली रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वैसे मैं बता रहा था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, और वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी स्पीड जो है वो बहुत लो होनी चाहिए, उसकी कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट नहीं होनी चाहिए, तब आपके न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे। अगर आप किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के कोई फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो फिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन यानी इक्वल टू एम एप्लीकेबल नहीं रहेगा, फिर आपको इनमें चेंजिंग लानी पड़ेगी, फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टाइम डायलेशन, अब जब भी कोई आप किसी ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं जो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, ठीक है, तो अब वही बात कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से आप उसका जो टाइम है या उसकी जो लेंथ है या उसका जो मास है वो आप मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उसका जो टाइम है उस इवेंट का जो आप मेजर करेंगे, फर्ज करें नॉर्मली आप मेजर करते हैं एक इवेंट का टाइम, सपोज करते हैं हम 5 सेकंड, ठीक है, एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं जो नॉर्मल स्पीड से मूव कर रही है, जैसे कि 10 किलोमीटर पर सेकंड या 50 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये नॉर्मल स्पीड काउंट होती है। तो इस
ऐसी स्पीड वाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के जब आप किसी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करते हैं तो वो स्पोज आता है 5 सेकंड। लेकिन जब आपकी यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आप बैठ के मूव कर रहे हैं वो कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाफ हाफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी सी बाई टू की स्पीड के साथ आपकी इनर्शियल फ्रेम जो है वो मूव कर रही है, तो अब वो जो टाइम आप मेजर कर रहे हैं वो 5 सेकंड नहीं होगा बल्कि वो टाइम बढ़ जाएगा, हो सकता है 5.5 सेकंड आ जाए या 7 सेकंड आ जाए। तो इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, कि जब आप ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के किसी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा प्रॉपर टाइम से ज्यादा आता है। प्रॉपर टाइम कौन सा होता है? प्रॉपर टाइम ये होता है कि जब आप की जो मोशन है वो उस इंटरवल उस इवेंट के साथ कॉइंसाइड कर रही है, यानी कि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं वो इवेंट भी उसी के अंदर हो रहा है। यानी अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और वो इवेंट भी ट्रेन के अंदर ही हो रहा है, इसका मतलब है आप और वो इवेंट जो है वो दोनों यूनिफॉर्म एक स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, आप दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं होगी उस वक्त आप जो टाइम इंटरवल मेजर करते हैं उसे कहते हैं प्रॉपर टाइम। लेकिन जब दोनों के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन है, यानी आप किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और जो इवेंट है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं वो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और साथ ये बात भी जरूरी है कि आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, और फिर जब आप उसका टाइम इंटरवल मेजर करेंगे तो वो हमेशा प्रॉपर टाइम से ज्यादा टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको एक मिसकंसेप्शन आपके क्लियर करता चलूँ, अमूमन इंटरव्यूज में लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाकया मेराज को आप डिस्कस करें टाइम डायलेशन के लिहाज से या फिर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, तो लोग जो है वो यही बताते हैं कि नबी पाक सलाम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से उन्होंने मूव किया तो जो टाइम है वो उनका इंक्रीज कर गया, जो नीचे लोग थे उनके लिए टाइम इंक्रीज कर गया। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो फिनमिना है इसको आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप जो बताते हैं वो उल्ट बनता है। ठीक है, हालांकि होना ये चाहिए कि जो चीज़ मूव कर रही है उसका टाइम इंक्रीज होना चाहिए, जो लोग नीचे हैं उनके लिए टाइम जो है वो इंक्रीज नहीं करता। तो जो टाइम है आपका टी प्राइम, ये वो टाइम है जो आपने अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के मेजर किया था किसी भी इवेंट का, तो टी प्राइम जो है वो इक्वल आएगा गामा टी नॉट, और टी नॉट जो है ये वो टाइम है जो प्रॉपर टाइम है, यानी जब आपके और इवेंट के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं थी, तो ये हमेशा ग्रेटर होता है प्रॉपर टाइम से, टी प्राइम ग्रेटर होता है टी नॉट से। और यहाँ पे गैमा का एक फैक्टर आया है, ये गैमा इक्वल होता है 1/1 V² / C² / C², इसको गैमा फैक्टर कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज इन्वॉल्व है V/C, तो V/C को बीटा कहा जाता है, इसे स्पीड पैरामीटर कहा जाता है। तो गैमा को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - β² इस तरह। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में भी यही है कि जब आप किसी ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं जो कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है और जिस चीज़ की आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं वो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ी है, ठीक है, और दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद है। ठीक है, ये बात मैं थोड़ी स्ट्रेस दे रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके दरमियान को रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक आप चाहे टाइम मेजर करें चाहे लेंथ मेजर करें चाहे मास मेजर करें वो प्रॉपर ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस उस वक्त आएगा जब आप किसी ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करें जो कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है और जिस इवेंट का आप टाइम मेजर कर रहे हैं या जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं वो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और दोनों के दरमियान को रिलेटिव मोशन मौजूद है, फिर ये चीज़ें वेरी करती हैं। टाइम जो है वो आपका ज्यादा आएगा, जो इवेंट आप मेजर करेंगे उसका टाइम ज्यादा आएगा, और लेंथ आप मेजर करेंगे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। और ये भी याद रखें कि लेंथ सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगी जिसमें आप मूव करें, यानी अगर ये एक रॉड है जिसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है, और आप अगर मूव करें इस डायरेक्शन में यानी अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यानी जिस तरफ लेंथ जा रही है आपकी मोशन भी इधर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अंदर वेरिएशन देखेंगे, विड्थ में आप कोई वेरिएशन नहीं देखेंगे, विड्थ इतनी होगी जितनी प्रॉपर विड्थ होती है। सिमिलरली अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है इधर, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब आप जो वेरिएशन देखेंगे वो इस रॉड की विड्थ में देखेंगे, विड्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ एक्चुअल लेंथ ही आप मेजर करेंगे जो कि प्रॉपर लेंथ है। ये जो प्रॉपर का वर्ड है ये इन्वर्टेड कॉमास में मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन भी किया है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट और इवेंट के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती तो जो मेजरमेंट करते हैं वो प्रॉपर मेजरमेंट होती है, प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर लेंथ होती है। टाइम डायलेशन का प्रूफ जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकली, जो मियोन है ये प्रोड्यूस होता है आउटसाइड द एटमोसफेयर। मियोन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन के मैस से 207 टाइम ग्रेटर होता है, यानी 207 गुना ज्यादा इसका मैस होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से, और ये आउटसाइड द स्पेस प्रोड्यूस होता है, हमारी एटमॉस्फेयर से बाहर ही कहीं प्रोड्यूस होता है कॉस्मिक रेडिएशन के इंट्रैक्शन से। तो इसका जो डिके टाइम है वो है 2.2 सेकेंड। अब होना तो यूँ चाहिए कि जितना इसका ये कम टाइम है इस मियोन का, होना तो ये चाहिए कि ये बहुत जल्द डिके कर जाए और हमारे एटमॉस्फेयर में ना पहुंच सके, लेकिन फिजिकली देखा गया है कि मियोन का इतना कम टाइम होने के बावजूद ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है। अब दो वजह है जिस वजह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कितना कम टाइम होने के बावजूद ये कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है, आउटसाइड द स्पेस ये प्रोड्यूस होता है हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत पहले ये कहीं प्रोड्यूस होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे ये आ जाता है। दो रीजन है, दो तरीकों से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कि टाइम डायलेशन, यानी मियोन का जो टाइम है वो, चूंकि मियोन की स्पीड जो है वो कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, लिहाजा इसका टाइम डायलेट हो जाता है, इसका टाइम बढ़ जाता है। तो जो टाइम हम समझते हैं कि 2.2 सेकंड है, इसके लिए वो टाइम 11 सेकंड 11 माइक्रो सेकंड हो जाता है। एक इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे जमीन तक हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है। दूसरे तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है जहाँ ये पैदा हुआ और हमारे एटमॉस्फेयर में आने तक जो डिस्टेंस है वो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो डिस्टेंस जो कि कई अरब किलोमीटर है, ठीक है, वो इसके लिए बहुत कम हो जाता है, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों तरीकों से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए या तो टाइम डायलेट कर जाता है और दूसरा इसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जो कि इसमें डिस्टेंस कवर करना होता है, क्योंकि ये कंपेयरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा होता है।
आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है, नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इसके एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, बल्कि आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है वो कंप्लीट ये वाली है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो ई नॉट है ये रेस्ट मास एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे आप वो लगा दें तो रेस्ट मास बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का। रेस्ट मास का मतलब है कि जब उस बॉडी की कोई मोशन नहीं है, किसी चीज़ का जो कलर होता है, किसी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो हमें उसका टेम्परेचर बता रहा होता है। कलर जो है वो हमें स्पेक्ट्रम का पता है कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं वो स्पेक्ट्रम रेड से स्टार्ट होता है और वायलेट की तरफ जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर रेड है तो इसका मतलब है कि उसे जो एनर्जी एमिट हो रही है वो बहुत कम एनर्जी है, यानी उसका टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम है, हार्ट कम है, और उसे जो एनर्जी एमिट हो रही है वो भी कम है। एनर्जी कम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि ई इक्वल टू एच एफ, एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यानी वाइस वर्सा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। और अगर आपको वेवलेंथ की शक्ल में लेके आना चाहें तो ई इक्वल टू एच एफ को आप लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा, ठीक है, क्योंकि वी इक्वल टू एफ लैम्डा, वो फॉर्मूला आप यूज़ करें तो ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो आप लैम्डा के लिहाज से देखें तो फिर इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है तो उसका कलर वायलट या ब्लू आपको शो होगा, या उल्टा आप कह सकते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको ब्लू नजर आ रहा है या वायलट नजर आ रहा है, गर्म है, हॉट है, वायलट नजर आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है, तो वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एस ऑब्जेक्ट जो कि रेड कलर आपको शो कर रहा है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम थोड़ी यहाँ पे ब्लर है, डिम है, लेकिन आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये रेडिएशन के लिए ड्रॉ की गई है, लैम्डा इसका एक एक्सिस पे है और इंटेंसिटी जो है वो दूसरी एक्सिस पे है, ये वेवलेंथ है और इधर इंटेंसिटी है, तो और साथ इसका टेम्परेचर है, यानी तीन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप देखा गया है, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और टेम्परेचर। तो जब लो टेम्परेचर पे किसी स्पेसिफिक रेडिएशन को ड्रॉ किया गया तो उसकी जो आपके पास आई थी वो ये कर्वाई थी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक खास वेवलेंथ के लिए, यहाँ ये वेवलेंथ, इस खास वेवलेंथ के लिए इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन फिर आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो फिर आपके पास जो रेडिएशन एमिट हुई उस वो ऐसे थी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो इंटेंसिटी थी उस रेडिएशन की वो बढ़ गई, लेकिन वेवलेंथ अगर आप गौर करें तो वेवलेंथ जो है वो कम हो गई है, थोड़ी पीछे शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली जब आपने टेम्परेचर मजीद इंक्रीज़ किया तो जो रेडिएशन एमिट हुई उस बॉडी से उनकी जो इंटेंसिटी थी वो कुछ ऐसे थी, यानी जो पीक है वो और लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुई, यानी टुवर्ड्स लो वेवलेंथ, ये पीछे जो जा रहा है ना वेवलेंथ कम हो रही है, आगे वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स लेफ्ट वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिल रही है एट हायर टेम्परेचर, लेकिन किस क्रॉस किस वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग मिल रही है, लो वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग। सिमिलरली जब आप फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ और कम हो जाती है, ये इस तरीके से आपको, तो ये पीक आपको मिली है और ये आपका वेवलेंथ, आप देख सकते हैं कि कहाँ कितना पीछे आप आ चुके हैं। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डायग्राम, कि जब आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेडिएशन जो एमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी आप देखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद फर्दर डिक्रीज होना शुरू होती है। जितने भी ग्राफ में देखें तो इंटेंसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, एक खास पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, जैसे कि ये देखिए ये खास पॉइंट पे मैक्सिमम हुई, फर्दर जब आपने वेवलेंथ इंक्रीज करी तो ये डिक्रीज होना शुरू होगी। सिमिलरली दूसरा ग्राफ भी देखें तो एक खास वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई फिर डिक्रीज होना शुरू होगी। इसी तरह आप थर्ड में देखें तो एक खास वेवलेंथ पे इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, खास वेवलेंथ पे मैक्सिमम हुई और फिर फर्दर जब आपने वेवलेंथ इंक्रीज की तो ये डिक्रीज होना शुरू होगी। अब ये जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ है इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा, यानी ये आप जो कर्व बनी है, ये जो कर्व बनी है इनके नीचे जो ग्राफ आ रहा है ये वाला, यानी अगर पहली कर्व हम देखें तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये नीचे, ये आपको ग्राफ बताता है कि एनर्जी कितनी एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। इसके अलावा जो है वो लैम्डा और टेम्परेचर, यानी लैम्डा मैक्सिमम, ये जो अभी मैंने पॉइंट आउट किया था पीक वैल्यू, यानी जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आई थी उसे लैम्डा मैक्सिमम कहा जाता है। तो लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कोई रेडिएशन हॉट ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है उसका और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और यही वो फॉर्मूला है जो कि वीन ने दिया था, और ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जैसा कि सन का टेम्परेचर आप इसी फॉर्मूला को यूज करके मेजर करते हैं, क्योंकि आपको जो रेडिएशन मिल रही होती है उनकी वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये वाला दूसरा जो एलिमेंट है ये आपके साथ, वैसे आपको पता है 2.9 × 10⁻³। तो लैम्डा मैक्सिमम आपके पास जो रेडिएशन आ रही है वो वहां से आप मेजर कर लिया, ये चीज आपके पास वैसे पता है, तो टोटल तीन चीजें, तो आप आसानी से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उन रेडिएशन का। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है ये भी एनर्जी का इंटेंसिटी के बारे में सवाल बताता है, ये जो ई ऐसे कंफ्यूज नहीं ना, अमूमन हम ई एनर्जी के लिखते हैं लेकिन यहाँ पे ई एनर्जी के लिए नहीं है बल्कि इंटेंसिटी के लिए। तो इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। सिग्मा यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन पावर -4 है, और टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सबसे पहले जो प्रेजेंट की थी वो मैक्सवेल और हर्ट्ज ने की थी। प्लांक, यहाँ से क्वांटम फिजिक्स का आगाज हुआ था प्लांक से, प्लांक ने इब्तदा की थी। इसने कहा था कि जो एनर्जी हमें मिलती है या एनर्जी रेडिएट होती है या एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी कहीं किसी ऑब्जेक्ट से हमें मिलती है, वो सारी की सारी जो एनर्जी वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है,
यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एनर्जी वैल्यू भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू में कुछ गैप होगा, जिसे फॉरबिडन एनर्जी आप कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले इसने कंसेप्ट दिया था कि जो लाइट आती है उस लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं उनकी अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है। फोटॉन तो खैर बाद में नाम दिया गया था, इसने कहा था क्वांटा ऑफ एनर्जी, यानी जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं, इसने कहा था कि उन्हें डिस्क्रीट पैकेट्स, इसने क्वांटा का नाम दिया था, जो कि बाद में फिर आइंस्टाइन ने उनको फोटॉन का नाम दिया था। तो ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एच एफ के फॉर्मूले से। एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴ है, ये सबसे छोटा प्लांक्स कांस्टेंट है। और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि इसका जो यूनिट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एंगुलर मोमेंटम के यूनिट के बराबर होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी होता है जूल सेकंड, और प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट भी होता है जूल सेकंड। तो कई तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोटॉन का मोमेंटम आप इज इक्वल टू पी सी से फाइंड करते हैं। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि मोमेंटम के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं पी इज इक्वल टू एम वी, लेकिन फोटॉन के लिए आप ये फार्मूला यूज़ नहीं करते, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है। फोटॉन का मोमेंटम हमेशा आप एनर्जी, मोमेंटम और स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो फोटॉन का मोमेंटम अगर आपसे कहा जाए कि फोटॉन का मोमेंटम का फार्मूला क्या है, ये भी मोमेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि फोटॉन का मोमेंटम जो है वो आप किसके को लिखेंगे, तो जो लोग ट्रैप होते हैं वो इसी से होते हैं। एक चीज़ वहाँ पर ये भी लिखी होती है, एम एम वी लिखा होता है या एम सी लिखा होता है, ठीक है। तो लोग अमूमन इसी की तरफ जाते हैं कि पी इज इक्वल टू, चूंकि एम वी होता है मोमेंटम, तो यहाँ पे फोटॉन है तो वी की जगह सी आ गया, लिहाजा दिस इज द राइट ऑप्शन, जो कि गलत है। फोटॉन का मोमेंटम मास की फॉर्म में नहीं होता, फोटॉन का मोमेंटम हमेशा एनर्जी की फॉर्म में होता है, यानी ई ओवर सी। मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू ई ओवर सी। इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो तीन किस्म के फिनोमेना हम देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कंपन इफेक्ट है और पेयर प्रोडक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब इंसिडेंट फोटॉन जिसके पास कोई स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ये जो वर्ड स्पेसिफिक एनर्जी है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर फोटॉन के पास स्पेसिफिक एनर्जी है तो स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब है, प्लैंक हमें यह बताता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, और इसको यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी आप कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लें, ठीक है, यानी एच एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट फोटॉन आ रहा है, उसके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाजमी होनी चाहिए, यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कि उस मैटर सरफेस के लिए जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके। अगर आपके पास इंसिडेंट फोटॉन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसकी एनर्जी कम है, तो वो उस मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। तो जब ऐसी इंसिडेंट फोटॉन किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आपको पता है करंट प्रोड्यूस होता है, उसका उनका नाम होता है फोटो करंट। ये डिपेंड करता है मेटल सरफेस पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी खास मेटल के लिए कुछ होगी तो कोई दूसरी मेटल आप लेंगे तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप जो मर्जी मेटल यूज करें सबके लिए एक ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, ये जरूरी नहीं है। मेटल टू मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरी कर सकती है। सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था वो हर्ट्ज ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन जरूर किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, लेकिन जो इसकी डिस्कवरी थी, जो थ्योरेटिकल जो थ्योरी थी इसके पीछे, वो सबसे पहले हर्ट्ज की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो एनर्जी फिनोमेना है, क्वांटम इफेक्ट मिड रेंज एनर्जी फिनोमेना, और प्योर प्रोडक्शन हाई एनर्जी फिनोमेना है। हाई एनर्जी फिनोमेना का मतलब है 1.02 MeV एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी इंसिडेंट फोटॉन के पास, तब तक आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन जब कोई ऐसी रेडिएशन है जिसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है, उसके बाद दूसरी चीज जो मैटर करती है वो इंटेंसिटी मैटर करती है। यानी जब पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, यानी जो रेडिएशन आ रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखती है, तो फिर जो दूसरी चीज मैटर करती है वो इंटेंसिटी मैटर करती है। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, यानी उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फिर आप इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लें इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहला क्राइटेरिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, वो मीट करेगा तब अगली इंटेंसिटी की बात होगी, फिर इंटेंसिटी मैटर करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली आपने रिवर्स कर दिया, जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ था इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे आपने रिवर्स कर दिया वो वाला, यानी कि ये आपकी कैथोड था, इसको आपने पहले नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ था और यहाँ पे पॉजिटिव था, ये कैथोड आपने लगाया हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे और सामने एक एनोड लगा था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर इधर इस पर कलेक्ट हो रहे थे ये। अब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या करना है, आपने पोलैरिटी रिवर्स कर देनी, पहले ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपने क्या करना है रिवर्स कर देना, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है और इसको नेगेटिव से कर देना। अब होगा क्या कि अब ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को सामने से अब रिपल्शन फील होगी, क्योंकि सामने नेगेटिव, अब कैथोड जो है वो आपका वही एनोड जो था वो अब कैथोड बन चुका है, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगी। तो ये आपने पोलैरिटी बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, इतना बढ़ाते जाए कि सामने इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर सामने जाना चाह रहे हैं ये ना जा सकें। यानी एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी इस पोटेंशियल के, ये जो आपने अप्लाई किया हुआ है, और इसको आप लिखेंगे ई वी नॉट। तो इस पोटेंशियल को आप कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी ना हो कि वो कैथोड तक पहुंच सके।
बेसिकली तो वो एनोड था, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद में उसे कैथोड कह रहा हूँ। कैथोड तो एक्चुअली वही है जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और सामने एनोड पे उन्होंने जाना था, लेकिन पोलैरिटी चेंज होने के बाद अब वो एनोड नहीं रहेगा, ऑफकोर्स वो अब कैथोड बन जाएगा क्योंकि अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो स्वैपिंग पोटेंशियल होगा जिसपे ये मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई टू द एनोड टू स्टॉप द फोटो करंट, यानी इलेक्ट्रॉन जो सामने से आ रहे हैं उनको स्टॉप करवाना है। तो वो कम से कम पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में जिससे आप एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक दें, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दें। इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास दो ऐसी रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। जैसे ये है, यहाँ पे अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल रखते हैं वी नॉट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपके पास है इंटेंसिटी है, तो दोनों के पास डिफरेंट इंटेंसिटी है, ये एक इंटेंसिटी है दूसरी इंटेंसिटी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। यानी ये शर्त यह है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर दो ऐसी रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर दो ऐसी रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन इंटेंसिटी सेम है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ये एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा और दूसरी जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कोई और होगा। उस केस में जब दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और इंटेंसिटी सेम हो, वर्क फंक्शन, इंसिडेंट फोटॉन जब किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करता है तो वो कम से कम एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। यानी वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपने पेरेंट एटम से फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो वर्क फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट फोटॉन होता है उसकी एनर्जी दो कामों में इस्तेमाल हो जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जिसे वर्क फंक्शन कहा जाता है, और जो उसकी बची कुछ एनर्जी होगी वो किधर इस्तेमाल हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होकर फिर मूव कर सकते हैं विद इन द क्रिस्टल। तो लिहाजा मैथमेटिकली लिख सकते हैं एच एफ यानी इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप वाई एक्सिस पे लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को और एक्स एक्सिस पे आप लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो जो स्लोप आपके पास आएगी वो स्लोप आएगी एच ओवर ई। ये जरा आप कीजिएगा, स्लोप फाइंड कीजिएगा जरा। स्लोप के लिए आपको फार्मूला पता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। वाई पे आपका होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपकी होगी फ्रीक्वेंसी यानी एफ। तो ये जो चीज़ साथ आएगी ये आपकी स्लोप होगी। वी नॉट इज इक्वल टू, यानी ये फॉर्म बनानी, वी नॉट इज इक्वल टू ब्रैकेट में समथिंग आगे एफ प्लस यहाँ पे कुछ होगा सी। ये सी क्या होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है यानी वाई एक्सिस कहाँ पे कट हो रहा है। अगर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस हो रहा है तो ये प्लस सी होता है, और अगर ग्राफ जो है वो नेगेटिव पे हो तो ये माइनस सी होता है। ये जरा कैलकुलेट कीजिएगा और हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे आपने 1/2 mv² की जगह आप ई वी नॉट पुट कर दें जो अभी हमने ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखा है। एक और असाइनमेंट है कि अगर आप वाई एक्सिस पे लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पे लेते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फिर आपने स्लोप फाइंड कर दिया। ये प्रोसीजर यूज करने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज करके कंपेयर करके आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है। इसके बाद कंप्टन इफेक्ट, कंप्टन इफेक्ट मेटल एनर्जी फिनोमेना है जिसमें जब एक इंसिडेंट फोटॉन इंट्रैक्ट करता है, यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक कर लिखते हैं, तो स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे हर किसी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन है वो बिल्कुल आके उस एटम के साथ कोलाइड करता है, जैसे कि आप रियल लाइफ में दो चीज़ों को हिट होते हैं देखते हैं, तो ऐसा नहीं है बल्कि ये बहुत पीछे से फोटॉन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। यानी ये अगर एटम है और ये फोटॉन आ रहा है तो ये पीछे से यूँ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो इस इंट्रैक्शन को भी कोलिजन ही कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि ये आके इधर हिट करे यहाँ और फिर इधर जाए तो आप कहेंगे कि कोलिजन हुई है, बल्कि एटॉमिक लेवल पे इस तरह का इंट्रैक्शन जो होता है वो भी कोलिजन ही कहलाता है या स्ट्राइकिंग कहलाता है। तो क्या होता है जब फोटॉन किसी मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ उसकी बढ़ जाती है। वो जो इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन था मेटल सरफेस के अंदर वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी रिकॉइलिंग स्पीड, उसकी रिकॉइलिंग स्पीड बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये मिड रेंज एनर्जी फिनोमेना है, 0.5 MeV से 1 MeV तक इसकी एनर्जी होती है, और चेंज इन जो वेवलेंथ है जो फोटॉन की वेवलेंथ में चेंज आती है वो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच ओ एम नॉट सी इनटू 1 cos θ। ये जो एच ओवर एम नॉट सी है इसे आप कहते हैं कॉम्प्टन वेवलेंथ, और जो डेल्टा लैम्डा है ये आपकी कॉम्प्टन शिफ्ट कहलाती है। cos θ बहुत मैटर करता है, इसलिए आप वैल्यू 0 पुट करें तो डेल्टा लैम्डा मिनिमम यानी बिल्कुल 0 आ जाएगा, यानी कि कोई इसमें चेंज नहीं आएगी। और अगर यहाँ पे आप 90 पुट कर देते हैं तो कॉम्प्टन शिफ्ट और कॉम्प्टन वेवलेंथ आपस में इक्वल हो जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे 180 पुट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो कॉम्प्टन शिफ्ट है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं कि किस एंगल पे कॉम्प्टन शिफ्ट मैक्सिमम होती है या चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है।